हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बूस्ट चैनल। आज हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे इसरो असिस्टेंट सीपीटी स्किल टेस्ट को, और इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा एमएस पावर पॉइंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का क्वेश्चन को कवर कर चुका हूं प्रीवियस ईयर का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक तो आप लोगों को चैनल पर चले जाना है, चैनल पर आप लोगों को सभी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो उन वाले जो भी वीडियो मैंने प्रीवियस में कवर किया वो वाला वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोगों के लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना कर रखा है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर आप लोगों को इसरो असिस्टेंट सीपीटी स्किल टेस्ट करके एक आप लोगों को प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। वहां पर आप लोगों को सारा जो भी इसरो असिस्टेंट के रिगार्डिंग जो भी वीडियो आने वाला है वहीं पर आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। अभी तक हम लोगों ने 15 वीडियोज को कवर कर चुका है, तो आप लोग जरूर से जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया एमएस वर्ड एमएस एक्सेल ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो आप लोग उस वाले वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया वो हम लोग रीड करेंगे, देन हम लोग आगे प्रैक्टिकल करके सारा चीज समझेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, क्रिएट ए पावर पॉइंट फाइल एंड सेव द फाइल विद द फाइल नेम। तो मैंने जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है कि आप लोगों को फाइल किस तरह से एग्जाम के अंदर सेव करना है, ये मैं आप लोगों को इन डिटेल में बताऊंगा। आप लोगों को अपकमिंग डेज में इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा और एग्जाम से पहले पहले ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, देन मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा। इसको मैं अभी स्किप करता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया, क्रिएट स्लाइड 1 पाई चार्ट विद द फ्लोइंग डाटा गिविंग डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, आप लोगों को जो भी ये डाटा है आप लोगों को एक इंसर्ट करना पड़ेगा टेबल, देन आप लोगों को टाइटल देना है और इसी के डाटा के बेस में आप लोगों को एक पाई चार्ट भी इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये हम लोग आगे समझेंगे किस तरह से आप लोगों को पाई चार्ट इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करना है, तो आप लोगों को इन डिटेल में समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हो तो इसके लिए आप लोगों को 15 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। देन इसी का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आप लोग क्या दिया गया, क्रिएट स्लाइड 2 एज गिवन बिलो एडिंग कलर बैकग्राउंड एंड बॉर्डर। तो आप लोग को बॉर्डर भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, एक्चुअली स्लाइड लेना है आप लोगों को, वहाँ पर आप लोगों को एक कॉलम, यहाँ पर आप लोगों को टाइटल रहेगा, वेरिएबल टाइप्स, देन आप लोगों को एक बॉक्स लेना है, देन आप लोगों को ये जो भी डाटा है वहाँ पर लिखना पड़ेगा, देन सेकेंड बॉक्स आप लोगों को लेना है, देन ये जो भी डाटा ओवल शेप दिया गया है आप लोगों को, रेक्टेंगल शेप दिया गया है, ये सारा आप लोगों को वहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग समझेंगे क्या कुछ करना है, तो आप लोगों को आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा आप लोग को अपडेट दे देता हूँ, कुछ आप लोग को सम इम्पोर्टेंट अपडेट देना है। तो मैं यहाँ पर पावर पॉइंट को यहाँ पर ओपन कर लिया है, तो आप लोग का कुछ सवाल है तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। पहला जो आप लोग को अपडेट है रिगार्डिंग अपकमिंग प्रैक्टिस सेट, तो जो भी ओल्ड स्टूडेंट होंगे उनको तो पता होगा अपकमिंग पीडीएफ के बारे में, लेकिन जो भी न्यू स्टूडेंट है उनको नहीं पता होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को एक अपडेट दे देता हूँ जिनको नहीं पता है। तो ये जो पीडीएफ है अपकमिंग पीडीएफ, ये डेडिकेटेड पीडीएफ रहेगा इसरो असिस्टेंट यूडीसी जेपीए के लिए। यहाँ पर आप लोग का जो भी सिलेबस आप लोग का दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर, आप लोग का इन डिटेल में सारा चीज कवर किया जाएगा, ठीक है। जो भी आप लोग का ईच एंड एवरी टॉपिक है इस वाले पीडीएफ के अंदर आप लोगों को कवर हो जाएगा। ये पीडीएफ आप लोगों को कब तक मिलेगा ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। और उसके बाद आप लोगों का क्या क्वेश्चन है, व्हेन विल बी कंप्लीटेड अपकमिंग प्रैक्टिस सेट। तो ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है जीमेल के अंदर में भी, आप लोगों का यूट्यूब के अंदर में भी क्वेश्चन है। तो आप लोगों का जो ये वाला जो पीडीएफ है ये आप लोग कंप्लीट हो जाएगा विद इन 3 to 4 days, मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। प्रीवियस 7 days से आप लोगों का इसके अंदर, इस वाले पीडीएफ के अंदर काम चल रहा है, ठीक है, और ये रात रात भर काम चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर में आप लोगों को क्या मिलेगा ये भी मैं थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ। आप लोगों को इस पीडीएफ के अंदर आप लोगों को 10 प्रैक्टिस सेट, फुल प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जैसे कि आप लोगों का जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों का एमएस एक्सेल का 2 क्वेश्चन होता है, एमएस वर्ड का अंदर 2 क्वेश्चन, सॉरी एमएस वर्ड के अंदर 3 क्वेश्चन, एमएस एक्सेल के अंदर 2 क्वेश्चन और एमएस पावर पॉइंट के अंदर 2 क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग उसी तरह से एक सेट बनेगा और आप लोगों को टोटल उसी के अकॉर्डिंग 10 सेट मिलेगा, ठीक है। एक सेट में आप लोगों को मतलब 7 क्वेश्चन रहता है पावर पॉइंट एक्सेल वर्ड को मिला के, ठीक है। तो आप लोग उसी तरह का 10 सेट मिल जाएगा, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर टाइम लगता है। देखो पीडीएफ के अंदर बहुत सारा इंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन है वाई क्लास आर नॉट रेगुलर, तो इसका बेसिक सा यही मतलब है कि ये पीडीएफ में अभी काम चल रहा है इसीलिए आप लोगों को क्लास अभी रेगुलर नहीं मिल रहा है। जैसे ही आप लोग का पीडीएफ का काम कंप्लीट हो जाता है आप लोगों को क्लासेस रेगुलर मिल जाएगा। इससे पहले मैंने आई थिंक 3-4 दिन पहले क्लास लिया था, ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। और मैं आप लोग को एक अपडेट दे देता हूँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल के अंदर जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप लोग को जो भी अपडेट रहता है वहां पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को
यहाँ पर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप लोग बैंकिंग बूस्ट YT सर्च करोगे टेलीग्राम के अंदर तो वो आप लोगों को वहां पर भी चैनल मिल जाएगा। 1900 प्लस आप लोग का वहां पर ऑलरेडी आप लोग का स्टूडेंट वहां पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, तो आज का क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक न्यू स्लाइड ले लूंगा, ठीक है। तो मैं यहां पर एक न्यू स्लाइड यहां पर ले लेता हूं। तो मैं जैसे ही पावर पॉइंट ओपन करूंगा तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड के अंदर आप लोगों को जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर टाइटल एंड कंटेंट है, डिफरेंट आप लोगों को टाइप का यहां पर आप लोगों को स्लाइड बनाया मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि देख सकते हो आप लोगों को पाई चार्ट भी बोला गया, टेबल भी बोला गया, टाइटल भी बोला गया। तो टाइटल विथ टू सेक्शन आप लोग ले लो तो ज़्यादा बेटर है। तो चलो मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं न्यू स्लाइड में चला जाऊँगा। तो टाइटल विथ टू कंटेंट, ठीक है। तो टू कंटेंट वाला स्लाइड को मैं यहाँ पर चूज करूँगा, क्योंकि टेबल भी आप लोगों को इंसर्ट करना है, देन आप लोगों को एक यहाँ पर पाई चार्ट भी बनाना है, तो यहाँ पर करना तो पड़ेगा। मैंने देखो इसका स्क्रीन शॉट लेके रखा है, और एक चीज़ मैं आप सबको मेंशन कर दूँ, यहाँ पर देखो इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं दिया गया है कि आप लोगों का फॉन्ट टाइप क्या रहेगा, फॉन्ट साइज क्या रहेगा, ये सारा कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो जो भी पेपर के अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल होगा वो मैं आप लोगों को करके बताऊंगा, लेकिन मेरा मानना है कि एग्जाम के अंदर आप लोगों को इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए, और आप लोगों को जरूर मिलेगा भी, ठीक है, आने वाले टाइम में। हो सकता है देखो ये सर्टिफाइड कॉपी है, तो हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है इसमें मिस हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी आप लोग जब भी आरटीआई फाइल करते हो तो कुछ पार्ट मिस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो भी आप लोग का इंस्ट्रक्शन रहेगा, जो भी सुटेबल रहेगा, उसके हिसाब से मैं अभी आप लोगों को करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने न्यू स्लाइड के अंदर जाके क्या किया, टू कंटेंट वाला ले लिया और टाइटल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है डाटा उसको मैं टाइप कर लेता हूँ। क्या दिया गया, इंडियन रॉकेट लॉन्चेस एज ऑन मई 2023। तो ये मैंने कर लिया, इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। कंट्रोल ए करा तो ये सिलेक्ट हो चुका है, इसको मैं सेंटर की ओर चाहो तो कर लो, या फिर देखो यहाँ पर कुछ तो दिया नहीं गया एज इट इज, कोई यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया सेंटर अलाइनमेंट होगा या क्या कुछ होगा, कुछ भी नहीं बताया गया। तो चलो मैं इसको सेंटर की ओर ही रहने देता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहता है। और इसको आप लोग चाहो तो इसका जो साइज है ये आप लोग बढ़ा भी सकते हो, तो मैं इसको कैलिबरी दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फॉन्ट टाइप तो नहीं बोला गया, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, देख के जो पता चल रहा है ये आप लोगों का कैलिबरी फॉन्ट ही है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके क्या करूँगा, इसको मैं 50 करके देखता हूँ, 50 आई थिंक बड़ा नहीं होगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा, देखता हूँ। तो ये 50 हो चुका है, ठीक है, तो मैं कर दिया। उसके बाद ये बोल्ट अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग यहाँ पर बोल्ट भी कर सकते हो, देखो लेकिन बोल्ट नहीं दिया गया एज सच, जैसे कि, लेकिन चलो बोल्ट कर देता हूँ क्योंकि टाइटल बोल्ट ही रहता है, ठीक है। आप लोग देख लेना, अगर आप लोग एग्जाम में इंस्ट्रक्शन दिया गया तो ठीक है, अगर नहीं दिया गया तो आप लोग कुछ भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आप लोगों का टाइटल जो रहता है वो आप लोग एज इट इज लिखना पड़ेगा। रॉकेट आपका आप लोगों का जो आर है वो कैपिटल फॉर्म में रहेगा, तो मैं इसको कैपिटल फॉर्म में कर लिया, ठीक है। तो ये देखो जैसे मैं रॉकेट को करा तो ये आई थिंक साइज जो है इसका चेंजेस हो चुका है, तो मतलब 48 के साइज में आप लोग कर सकते हो, इससे ज़्यादा करोगे तो ये एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्योंकि मैंने बोल्ड करा ना, इसीलिए ये 50 नहीं रहेगा, तो मैं इसको 48 ही कर देता हूँ अभी। तो ये एज सच देखने को मिल जा रहा है आप लोगों को, इसको आप लोग अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग चाहो तो थोड़ा बहुत इसमें एडजस्ट भी कर सकते हो एग्जाम के अंदर। अब मैं टेबल लूँगा, टेबल आप लोगों को किस तरह से लेना है तो चलो मैं दिखा देता हूँ। पहले तो आप लोग एग्जाम के अंदर क्या करना है, जब भी टेबल आए तो आप लोगों को देख लेना है कितना कॉलम है, कॉलम किसको बोलते हैं आप लोगों को, वर्टिकल जो ये दिख रहा है, वर्टिकल फॉर्म में जो दिख रहा है ये इस तरह से, ठीक है, इसको हम लोग कॉलम बोल देते हैं। तो ये एक कॉलम और ये दो कॉलम, और इस तरह से जो आप लोगों को हॉरिजॉन्टल दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ बोल देते हैं। तो कितना रॉ है, 1 2 3 4 5 6 7 रॉ और दो कॉलम। तो चलो मैं ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर आप लोग जैसे देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट टेबल दिख जाएगा, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, ये आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर टेबल बोला गया तो मैं पहले टेबल ले लेता हूँ, टेबल में क्लिक करूंगा, कॉलम कितना बोला गया तो दो, तो यहाँ पर मैं दो कर लूंगा, टाइप कर लूंगा, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप डाउन कर सकते हो। और रॉ कितना बोला गया, 7 बोला गया, तो मैं यहाँ पर 7 ले लेता हूँ, ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो कुछ इस तरह से आप लोगों का कॉलम दो आ गया और रॉ आप लोगों का टोटल 7 है। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये सिंपल सा एक फॉर्मेट दिया गया है टेबल का, तो सिंपल सा ले लूंगा। आप लोग देखो यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिजाइन टैब नहीं आएगा, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे आप लोगों को डिजाइन टैब यहाँ पर खुल जाएगा, देन आप लोगों को टेबल स्टाइल के अंदर चला जाना है। देन यहाँ पर आप लोग जैसे डाउन एरो में क्लिक करोगे तो आप लोगों को लाइट के जस्ट ऊपर वाला जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो नो स्टाइल टेबल ग्रिड आप लोगों को कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे करोगे तो आप लोगों को सिंपल फॉर्मेट में यहाँ पर आ जाएगा। देन आप लोगों को जो भी डाटा दिया गया वो आप लोगों को लिख लेना है। तो चलो मैं लिख लेता हूँ, लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल कर लिया। देन क्या दिया गया, नंबर ऑफ लॉन्चेस,
नंबर ऑफ लॉन्चेस, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या दिया गया है, एसएलबी, उसके बाद एएसएलबी, पीएसएलबी, देन जीएसएलबी, देन जीएसएलबी एमके थ्री। देखो यहां पर आप लोग एक चीज देख सकते हो, रोमन में लिखा गया था, हम लोग रोमन यहां पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। रोमन नंबर में थ्री लिखा गया है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर सर्च करना है रोमन नंबर बाय बैंकिंग बूस्ट, आप लोगों को समझ में आ जाएगा रोमन नंबर किस तरह से इंसर्ट करना है और उसका शॉर्टकट की क्या होता है, उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। तो आप लोग क्या सर्च करना है, रोमन नंबर बाय बैंकिंग बूस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोग करके दिखाता हूँ, इंसर्ट में चले जाना है आप लोगों को, एक तो इंसर्ट में भी कर सकते हो या फिर आप लोग चाहो तो शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, ऑल्ट के साथ 8546 भी करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं ऑल्ट के साथ 8546 कर लेता हूँ, तो ऑल्ट को प्रेस करूंगा, 8546 करूंगा तो यहाँ पर 3 नंबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, आप लोग चाहो तो एज इट इज ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं कर लेता हूँ, और आप लोग इंसर्ट में भी कर सकते हो। तो चलो मैं इंसर्ट में चले जाता हूँ, सिंबल के अंदर चला जाता हूँ। सिंबल के अंदर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो इस तरह से आप लोगों का डाटा खुल के आ जाएगा। सिंबल के अंदर आप लोगों का फॉन्ट में लिख लेना है टाइम न्यू रोमन, और सबसेट में आप लोगों का नंबर फॉर्म, तो यहाँ पर मैं 3 कर लेता हूँ, ठीक है। 3 बोला गया, देन मैं 3 को चूज करा, देन इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पर आप लोगों का रोमन नंबर आ चुका है, देन मैं क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर रोमन नंबर देखो मैंने 2 बार क्लिक कर दिया, आई थिंक 2 बार आ चुका है, तो मैं इसको एक ही बार रहने दूंगा, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। देन आप लोगों को जो भी यहाँ पर दिया गया उसको आप लोगों को कर लेना एसएसएलबी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी नंबर दिया गया उसको मैं टाइप कर लेता हूँ, 4 देन 4 देन 57 देन 14 देन 6 देन 2, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके मैं इसको क्या करूंगा, सेंटर की ओर अलाइनमेंट कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सेंटर की ओर अलाइनमेंट है, तो मैंने सेंटर की ओर अलाइनमेंट कर दिया। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो हेडिंग दिया गया है टेबल का, वो आप लोग का बोल्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको सैंपल ही रहने दूंगा। जैसे कि ये जो पार्ट दिख रहा है मेरे को बोल्ड लग रहा है, तो मैं इसको बोल्ड कर दूंगा। तो ये अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हो, एग्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी इसका फॉन्ट टाइप जो मेरे को समझ में आ रहा है, ये आप लोगों का टाइम्स न्यू रोमन है, ये मेरे को कैसे पता चल रहा है, तो ये देखो पावर पॉइंट का डेली यूज होता है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसको मैं टाइम्स न्यू रोमन ही कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गया, टाइम्स न्यू रोमन्स कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा। आप लोग चाहे तो इसको साइज को बढ़ा सकते हो, मैं इसको 20 कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं दिया गया है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसी डाटा के बेस में आप लोगों को एक पाई चार्ट इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे इंसर्ट चार्ट में, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पाई चार्ट में चले जाना है। पाई चार्ट के अंदर फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, चार्ट में चले जाना है। देन आप लोगों को डिफरेंट कॉलम वगैरह, लेकिन अभी तक जो भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर के अंदर देखा गया है, पाई चार्ट आप लोगों को पावर पॉइंट के अंदर अधिकतर पाई चार्ट ही आता है, तो पाई चार्ट ले लेना है। देन यहाँ पर डिफरेंट पाई चार्ट है, तो ये भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन 3D नहीं करना है, अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं बोला गया, तो नॉर्मल वाला ले लेना है। देन आप लोगों को क्या करना है, ओके कर देना है, तो आप लोगों को यहाँ पर एक पाई चार्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और पाई चार्ट जैसे ही आएगा, आप लोगों को यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट जो है एक्सेल का जो एक विंडो यहाँ पर खुल के आएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी इसी बेस में आप लोगों को सारा चीज करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको क्या करना है, डिलीट कर देना है। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, जो भी यहाँ पर दिया गया उसको लिख लूंगा, ठीक है। तो मैं चलो डिलीट कर देता हूँ इसको, यहाँ पर क्या लिख लूंगा मैं, नंबर ऑफ लॉन्चेस कर देता हूँ। चलो तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ लॉन्चेस और जो भी यहाँ पर डाटा दिया गया उसको मैं कर लेता हूँ। एक बार मैं इसको देखता हूँ, डिलीट हो जाता है तो ठीक है, चलो एक एक करके कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर जो भी डाटा दिया गया वो मैं लिख लेता हूँ, 4 देन 4 देन 57 देन 14 देन 6 देन 2। यहाँ पर जो भी डाटा दिया गया SSLV ये मैं कर लूंगा, SLB देन यहाँ पर क्या दिया गया ASLB देन यहाँ पर क्या करूंगा मैं, PSLV देन क्या दिया गया GSLV, तो GSLV को क्या करूंगा मैं, यहाँ पर कॉपी कर लूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रोमन नंबर लिखना पड़ेगा, उसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl C, आप लोग चाहो तो एक साथ भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा यहाँ पर यहाँ पर करना था ना, चलो मैं कर लेता हूँ, तो आई थिंक हो चुका होगा। हाँ ये देखो हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जी एस एल भी था, जी एस एल भी मैंने कर लिया। अच्छा ये दो बार क्यों हो चुका है, अच्छा ये पहले भी हो चुका था ना, चलो मैं इसको कट कर देता हूँ। उसके बाद क्या था, एस एस एल बी ठीक है। तो मैं जो भी डाटा था वो मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हो आ चुका है। उसके बाद इसको क्या करना है, आप लोग जैसे देख सकते हो यहाँ पर इसको आप लोग कट कर देना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, कट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो पाई चार्ट के अंदर आप लोग को डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलता है, तो ये मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। आप लोग के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि चार्ट टाइटल में क्या कुछ होता है, इसके रिगार्डिंग आई थिंक मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है ESIC के प्लेलिस्ट में, आप लोग एक बार सर्च कर लेना बैंकिंग बूस्ट, सॉरी चार्ट टाइटल बाय बैंकिंग बूस्ट एक बार सर्च करके देखना CPT, तो आप लोग हो सकता है कि मिल जाएगा चार्ट टाइटल बाय बैंकिंग बूस्ट यूट्यूब के अंदर। तो मैं यहाँ पर देखो प्लस करूँगा, प्लस में कुछ भी डाटा लेवल है वो मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि डाटा लेवल के बिना ये अधूरा लगता है। तो आप लोगों को प्लस वाले आइकॉन में क्लिक कर देना है, प्लस वाले आइकॉन में जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोग देखो हो सकता है कि राइट में भी दिख जाए पॉपअप, या फिर लेफ्ट में भी दिख सकता है, ठीक है। तो मैं डाटा लेवल जैसे लगाऊंगा तो यहाँ पर डाटा लेवल आप लोग को देखने को मिल जा रहा है 14624457, ठीक है। उसके बाद चार्ट टाइटल में अनक्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऊपर की ओर नंबर ऑफ लॉन्चेस नहीं दिख रहा है। हो सकता है कल को आप लोगों को चार्ट टाइटल में कुछ और नाम लिखने बोले, तो इसको आप लोग एडिट कर सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग बैक स्पेस करके हटा सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी हटा सकते हो, देन आप लोग यहाँ पर चार्ट टाइटल ऐड कर भी सकते हो अलग अगर कुछ बोले। अगर आप लोगों को लेजेंड लगाना है तो आप लोग लगा सकते हो, अगर भाई हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हो। लेजेंड क्या होता है, देखो जैसे कि ये आप लोग अभी राइट की ओर आ रहा है, आप लोग अभी बॉटम की ओर था इसके पहले, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, बॉटम राइट लेफ्ट ऊपर की ओर कहीं भी कर सकते हो। ये देखो अगर टॉप में रखना चाहते हो तो इस तरह से दिखेगा, लेफ्ट में इस तरह से, और बॉटम में इस तरह से, तो बॉटम में ही रहता है अधिकतर, तो आप लोगों को बॉटम में ही रख देना है। और भी बहुत सारा है, ठीक है, और भी ऑप्शन है, तो इसको हम लोग दूसरे वीडियो में कभी समझ लेंगे, ठीक है। और डाटा टाइटल का भी आप लोगों को बहुत सारा है ऑप्शन से, मोर ऑप्शन, तो ये हम लोग अभी यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो आप लोगों को डाटा लेवल दिख रहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि ये देखो दिख नहीं रहा है, ठीक है। होम टैब में चला जाऊँगा, इसका थोड़ा सा जो साइज है उसको बड़ा कर दूंगा। आप लोग किसी भी एक में क्लिक करोगे तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा, तो मैं इसको 20 कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप लोगों को, 20 नहीं करता हूँ नहीं तो ये देखो बाहर की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो 20 कर देता हूँ, 224 हो चुका था। इसको भी मैं यहाँ पर जो आप लोगों को दिख रहा है लेजेंड दिख रहा है, लेजेंड को भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। 16 का रहने देता हूँ, क्योंकि देखो अभी तो कुछ बोला नहीं गया, तो मैं इस तरह से रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया था, डाटा गिविंग डिफरेंट कलर दिख रहा है आप लोग को डिफरेंट कलर में, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो डिजाइन टैब में और भी आप लोगों को डिजाइन मिल जाता है, तो उसके हिसाब से भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन अभी आप लोग कुछ भी ना बोला जाए तो नॉर्मल ही रहने देना है, ठीक है। इसको चाहो टेबल का साइज को आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज अपने हिसाब से कर सकते हो, या फिर क्या करो कि इसको ही थोड़ा सा ऊपर की ओर लेके जाओ, बराबर की ओर रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो थोड़ा सा कोई एक बड़ा रवि रहता है तो कोई एज इट इज़ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी देखो साइज वगैरह कुछ भी नहीं बोला गया है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं छेड़ूंगा। यहाँ पर अगर आप लोगों को टेबल का साइज वगैरह चेंज करना है तो आप लोग लेआउट में चले जाओ, यहाँ पर क्लिक करो, लेआउट का टैब आता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हाइट विड्थ, आप लोग ये अपना अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग किसी सेल का साइज को बड़ा करना है, घटाना है, बड़ा या फिर कम करना है, तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग इन डिटेल में आने वाले किसी लेक्चर में समझ लूँगा, ठीक है। उसके बाद चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, तो चलो देख लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ब्लैंक स्लाइड ही ले लेता हूँ, ठीक है। कोई भी आप लोग कंटेंट वाला नहीं लूँगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि देखो एक कॉलम है, देन आप लोगों को बॉक्स है, देन बॉक्स है, तो इस तरह का तो कोई आप लोगों को स्लाइड आता नहीं है। तो चलो मैं एक ब्लैंक स्लाइड भी ले लेता हूँ। आप लोग चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को मॉडिफाई हो जाएगा, लेकिन मैं ब्लैंक ले लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा इसके हिसाब से। तो यहाँ पर आप हम लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर चले आओ इंसर्ट टैब में जाओ, तो यहाँ पर आप लोगों को सेव के अंदर क्या मिलेगा, एक बॉक्स का टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग को होम टैब के अंदर भी ड्राइंग के सेक्शन में भी मिल जाएगा, आप लोग कहाँ से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं एक आप लोगों को टेक्स्ट बॉक्स ले लिया जिस तरह से दिया गया था, तो इसके अंदर जो भी आप लोग को दिया गया है वो मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। लोकल वेरिएबल, सॉरी
लोकल वेरिएबल कॉलम, देन क्या दिया गया, जो भी डाटा है उसको मैं लिख लेता हूं पहले, वेरिएबल वेरिएबल्स एक्सेसिबल टू ओनली फंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, ग्लोबल वेरिएबल, उसके बाद क्या दिया गया है, वेरिएबल एक्सेसिबल टू एनी फंक्शन, वेरिएबल एक्सेसिबल टू एनी फंक्शन, ठीक है। तो ये हो चुका है, सॉरी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पहले, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को नंबरिंग किया गया, देन यहाँ पर आप लोगों को एक गैप दिया गया, बहुत बड़ा सा गैप है, तो चलो मैं इसको कर लेता हूँ। आप लोग चाहो तो देखो पहले से भी बुलेट भी ले लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बुलेट से भी कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर चलो नॉर्मल सा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जाऊँगा, कर्सर रखूंगा वन, यहाँ पर फुल स्टॉप दूंगा, देन टैब वाले बटन जैसे ही प्रेस करोगे तो आप लोग का एक बड़ा सा गैप लग जाएगा, ठीक है। देन फिर आप लोग यहाँ पर आ जाओ, वन टैब प्रेस करो, देन सेकंड टैब प्रेस कर दो, देन यहाँ पर मैं टू नंबर दूंगा, देन फुल स्टॉप, देन टैप प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, देन इसको क्या करूंगा, डबल टैप प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, वेरिएबल के जस्ट नीचे दिख रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ इसी तरह से क्या, देखो तो यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा सा और लेफ्ट की ओर आना चाहिए। आप लोग चाहो तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए। आप लोग यहाँ पर चले जाओ, ठीक है। जैसे ही आप लोग रूलर में जाओगे, यहाँ पर एक आप लोगों को साइन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर चले जाने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर रख दो, इसको थोड़ा सा लेफ्ट करना है तो कर लो, यहाँ से आप लोग थोड़ा सा इसको इस तरह से लेके आ सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा लेके आता हूँ, ठीक है। इसको भी इसी तरह से क्या करूँगा, थोड़ा सा लेके आ जाऊँगा माउस से, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से आप लोग कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये इतना डीपली आप लोग को एनालाइज नहीं करता एग्जामिनर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से आप लोग रहने दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का पहला वाला बन चुका है, और यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को लाइन स्पेस आई थिंक लगा हुआ है, तो मैं लाइन स्पेस भी लगा लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल ए करके सारा सेलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट करके यहाँ पर टू का लाइन स्पेस दे देता हूँ, क्योंकि ये टू का लाइन स्पेस ही दिख रहा है मेरे को। यहाँ पर कुछ छूटा था क्या, वेरिएबल एक्सेसिबल टू ओनली फंक्शन, हो सकता है कि देखो ये जो है ना आप लोगों का फॉन्ट साइज भी बड़ा हो सकता है, तो इसीलिए ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। वेरिएबल्स एक्सेसिबल टू ओनली वन फंक्शन, आई थिंक वन नहीं दिया था क्या मैंने, एक बार मैं देख लेता हूँ, टू ओनली, अच्छा अच्छा वन नहीं दिया था, ठीक है, इसीलिए इस तरह से लग रहा है। चलो तो मैं यहाँ पर वन लगा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो चुका है। उसके बाद इसके ऊपर देखो एक आप लोगों का क्या दिया गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वेरिएबल टाइप्स दिया गया, तो आप लोगों को एक टाइटल लगा लेना है। टाइटल लगाने के लिए देखो इस तरह से बॉक्स में चले जाना है, यहाँ पर आप लोगों को बॉक्स में क्लिक कर देना है, देन आप लोग जैसे ही ड्रॉ करोगे तो एक बॉक्स आप लोगों को क्लिक आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग टाइप कर लो वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल टाइप्स, ये मैंने वेरिएबल टाइप्स कर लिया। उसके बाद क्या, इसको सिलेक्ट करके मैं बोल्ड कर दूंगा, क्योंकि उसमें मेरे को लग रहा है कि बोल्ड है। इसको आप लोग चाहो तो 20 का साइज कर दो, 20 का मत करो, क्योंकि 20 का लग रहा, हाँ 20 का रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पर आप लोगों को आउटलाइन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैंने सेलेक्ट करा ये वाले बॉक्स को, आउटलाइन में चले जाना है आप लोग को, यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मेट के टैब में आउटलाइन दिख रहा है ड्राइंग के टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक वाला रखना है तो ब्लैक रख सकते हो, कुछ भी बोले तो वो कर सकते हो, और ये इसका जो आप लोगों का वेट है, जैसे कि इसका डीप करना है, ज़्यादा थिक करना है, तो ये भी कर सकते हो, लेकिन कुछ बोला नहीं गया तो सिंपल रहने देंगे, कोई इसको नहीं ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा क्या करो, ऊपर की ओर लेके चले जाता हूँ मैं, क्योंकि नीचे में भी मेरे को जगह चाहिए थोड़ा सा, तो ये कुछ इस तरह से रहने देता हूँ। और फिर मैं क्या करूँगा, फिर से एक यहाँ पर बॉक्स ले लूँगा, आप लोग चाहो तो देखो बॉक्स भी ले सकते हो, कल को अगर आप लोग चाहो तो इस तरह का रेक्टेंगल भी ले सकते हो, लेकिन रेक्टेंगल अगर आप लोग लेते हो, ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर इसको आप लोगों को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्या मॉडिफाई, सेव फिल में जाओ, देन इसको नो फिल करो, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो चलो मैं टेक्स्ट बॉक्स ही ले लेता हूँ, ज़्यादा सिंपल रहता है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा, ये टेक्स्ट बॉक्स कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो मैं इसको इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है। जो भी डाटा दिया गया है उसको लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो टेक्स्ट तो एज सच लिखना ही नहीं है यहाँ पर, तो ये टेक्स्ट बॉक्स ज़्यादा यहाँ पर ना लेना ही ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेता हूँ, मैं वही ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो
यहाँ पर लिखना है क्या, कुछ टेक्स्ट तो लिखना ही नहीं है, आप लोगों को इसके अंदर लिखना है। तो चलो मैं एक सेव फील ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग इंसर्ट में चले जाना है, सेव फील, यहाँ पर सेव्स में चले जाना है, रेक्टेंगल बोल यहाँ पर दिख रहा है तो रेक्टेंगल में, आप लोग मैंने ऑलरेडी यूज करके रखा है इसीलिए रिसेंटली यूज दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है आप लोग को ना दिखे, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मैं दोबारा लेता हूँ इंसर्ट। आई थिंक माउस काम नहीं कर रहा क्या, ये मैं रेक्टेंगल ले लिया, देन मैं इस तरह से ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा ऊपर की ओर, ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे की ओर ड्रैग करूँगा, देन सेव फिल में चले जाना है, देन नो फिल कर दूंगा, और इसका जो बॉर्डर है ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर कर दूंगा, यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा क्योंकि ब्लैक ऑलरेडी है, आप लोग कल और कुछ भी कलर बोल सकता है तो इस तरह से कर सकते हो, तो मैं नॉर्मल सा एक बॉर्डर लगा दिया। उसके बाद आप लोग को ओवल शेप रखना है, देन आप लोग को रेक्टेंगल शेप करना है, तो चलो इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ मैं। इंसर्ट में चले जाना है, शेप में चले जाना है, शेप में चले जाने के देखो मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो यहाँ पर दिख रहा है, तो आप लोग बेसिक शेप में दिख जाएगा ओवल शेप, ठीक है, ओवल में कर लेना है, यहाँ पर कुछ इस तरह से ओवल शेप ले लूँगा जिस तरह से दिख रहा है, देन मैं यहाँ पर रेक्टेंगल भी ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर रेक्टेंगल भी ले लेता हूँ, रेक्टेंगल नहीं तो चलो यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, ड्राइंग बार बार इंसर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, मैंने तो ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल सा ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा जिस तरह से दिया गया, तो ये एडजस्ट हो चुका है, देन इसको एरो के अंदर क्या करना है, जोड़ना है, इसको कनेक्ट करना है, तो चलो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको, देखो कुछ साइज इसका बोला नहीं गया इसलिए मैं साइज का यूज नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज एग्जाम में बोला भी जा सकता है, तो एग्जाम में अगर बोले तो इसको आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट में क्योंकि फॉर्मेट में चले जाना है, फॉर्मेट में जाकर आप लोगों को यहाँ पर साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से, वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, देख सकते हो जैसे मैंने करा, तो ये देखो आप लोगों का हाइट बढ़ रहा है, तो मैं एज इट इज रहने दूंगा जिस तरह से मैंने लिया था। उसके बाद कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को इंसर्ट में चले जाना है, इंसर्ट में जाकर आप लोगों को एरो का साइन यहाँ पर मिल जाता है, तो मैं यहाँ पर एरो में क्लिक कर लूँगा, क्लिक करने के बाद एक एरो आप लोग देखो इस तरह से एरो खींचोगे तो क्या होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, ठीक है, तो अगर आप लोग को एग्जैक्ट एरो चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, एरो लेके आप लोगों को शिफ्ट का बटन को प्रेस करके रखना है, देन आप लोग करो आराम से, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी करोगे तो आप लोगों को वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, तो ये मैंने इसको जोड़ लिया। उसके बाद इसको भी मैं क्या करूँगा, ब्लैक कर देता हूँ, चलो फॉर्मेट में जाओ, शेप आउटलाइन में क्लिक कर दो, तो ये ब्लैक हो चुका है। इसको भी क्या करूँगा, शेप फिल को मैं नो में कन्वर्ट कर दूंगा, देन यहाँ पर शेप आउटलाइन ब्लैक कर दूंगा, देन यहाँ पर चला जाऊँगा नो फिल, देन शेप आउटलाइन मैंने दे दिया, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आप लोग कुछ यहाँ पर डाटा दिया गया है, तो मैं इसके यहाँ पर डाटा को क्या करूँगा, लिख लूँगा ग्लोबल वेरिएबल, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है, ये क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वह वाइट में किया गया है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके आप लोग होम टैब में चले जाना है, यहाँ पर मैं ब्लैक कर लूँगा, तो ये ब्लैक आ चुका है, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है, उसके बाद इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, एक्सेबल टू एनी फंक्शन, एक्स इसको मैं ब्लैक कर ही लेता हूँ पहले, तो ये बड़ी प्रॉब्लम देता है, एक्सेसिबल टू एनी फंक्शन, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या दिया गया, यहां पर मैं फिर से एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लेता हूँ, तो यहां से मैं ले लेता हूँ, ठीक है, आप लोग चाहो तो इंसर्ट से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां पर मैं ले लिया और मैं इसी का एक कॉपी कर लूंगा, तो कंट्रोल डी कर लूंगा तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा, तो क्योंकि यहां पर भी लेना है तो यहां पर भी मैं ले ही लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रख दिया, देन दोनों को कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करूंगा, इसको भी क्लिक कर लूंगा तो ये चूज हो जाएगा, देन देखो प्लस का आइकन दिख रहा है, तो मतलब ये दोनों सेलेक्ट हो चुका है, मैंने एक साथ कर दूंगा क्योंकि बार बार करने का कोई मतलब नहीं एक ही चीज़ को, देन यहाँ पर नो फिल कर दूंगा, यहाँ पर जाके भी कर सकता है, मैंने देखो जो प्रीवियस में आप लोग जो भी यूज करोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है, तो मैं इसको इसीलिए यहाँ पर क्लिक कर रहा तो हो जा रहा है, यहाँ पर मैं सेप आउटलाइन मैंने ऑलरेडी क्या ब्लैक कलर का देकर रखा है तो इसीलिए मैं ब्लैक करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी यहाँ पर दिया गया है वो मैं यहाँ पर कर लूँगा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लूँ, चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कंट्रोल भी कर लेता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल भी करोगे तो आप लोगों को इस तरह से दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर इसी को ले लेता हूँ, इसको आपको साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो, यहाँ पर क्या दिया गया है लोकल, तो यहाँ पर ग्लोबल की जगह हम लोग क्या करेंगे लोकल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मैंने लोकल कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर एस लगाना है तो मैं यहाँ पर एस लगा लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं इसी का एक डुप्लीकेट बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी लोकल ही चाहिए। कंट्रोल डी कर लूँगा या फिर चलो कंट्रोल सी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल भी, तो ये यहीं पर आएगा, ठीक है, वहाँ पर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ यहाँ पर लोकल वेरिएबल। उसके बाद फंक्शन दिया गया आप लोगों को, फंक्शन के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लो सिंपल सा। फंक्शन भी बोला गया तो मैं पहले टाइप कर लेता हूँ फिर उसको एडजस्ट कर लूँगा। फंक्शन ए, ठीक है, इसको आप लोग एरो की से भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, आप लोग चाहो तो माउस से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक चीज़ का करने का हजारों तरीका है, हजारों नहीं दो तीन तरीका है, सॉरी। तो इसको मैंने क्या करूँगा, कंट्रोल सी करके यहाँ पर फिर से दोबारा पेस्ट करा लूँगा क्योंकि दोबारा इंसर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इसी में मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँगा, यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, ए के जगह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बी है तो मैंने बी कर दिया, ठीक है। इसको एरो की से आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर ले सकते हो। आज माउस तो एकदम से काम ही नहीं कर रहा, आई थिंक हो चुका है। अब मैं देख लेता हूँ क्या कुछ दिया गया है। ये देखो ग्लोबल वेरिएबल जो है हम लोग को बोल्ड लग रहा है तो मैं इसको चूज़ करूँगा, कंट्रोल ए करूँगा, सिलेक्ट हो जाएगा, देन इसको बोल्ड कर दूँगा, 20 का साइज कर दूँगा क्योंकि देखो साइज वगैरह कुछ भी नहीं बोला गया। उसके बाद कुछ दिया गया क्या, इसको आप लोग चाहो तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, तो मैं चलो कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये बीचों बीच दिख रहा है, आप लोग बीचों बीच कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसको लो, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर दो। ये देखो बीचों बीच दिख रहा है, कोई इशू नहीं है अब। तो देखो ग्लोबल वेरिएबल एक्सेबल टू एनी फंक्शंस, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, वेरिएबल ए, फंक्शन बी, ठीक है। तो ये देखो एज इट इज़ आ चुका है। अब आप लोग का जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका है, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आशा करता हूँ इन डिटेल में आप लोग को सारा चीज़ समझ में आया होगा, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अच्छा ये वाला नहीं लिखा था क्या, एक बार देख लेता हूँ मैं, अच्छा ये नहीं लिखा था, तो चलो कोई बात नहीं, लिख लेता हूँ बॉक्स में, लिख लेता हूँ क्या है, एक्सेबल ओनली टू फंक्शन ए, यहाँ पर मैं लिख ही लेता हूँ, चलो एक्सेसिबल ओनली टू फंक्शन, फंक्शन ए, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया, देन इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा एरो के साथ एडजस्ट कर सकते हो आप लोग, माउस के साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर मैंने लगा दिया और इसी को क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी करा, यहाँ पर कंट्रोल भी करूँगा, देन कंट्रोल भी करके इसी को ले आऊँगा, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर लेके आ जाऊँगा, ठीक है। और ए की जगह आई थिंक बी है तो मैं इसको बी कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा चेंजेस, क्यों बार बार कोई चीज़ को टाइप करना, उससे आप लोग एग्जाम में भी आप लोग को यही चीज़ें करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है, बार बार लिखना नहीं है। अगर सेम चीज़ें रहें तो उसको आप लोग क्या करो, उसको आप लोग पेस्ट कर दो, ठीक है। और देखो कल को अगर आप लोग को ये सारा चीज़ें अगर बोले कि इसका जो आउटलाइन है तो इसको सिलेक्ट कर लो, देखो मैंने इसको प्लस वाला आइकन दिख रहा है, सिलेक्ट कर लिया। अगर आप लोगों को आप लोगों को बोले कि आउटलाइन थोड़ा सा थिक वाला रखना है, थिकनेस बढ़ा देना है, तो आप लोग इसको भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे करोगे तो आ जाएगा। तो आगे जो भी आने वाला वीडियो आप लोग फॉलो करो, आप लोगों को सारा इन डिटेल में समझ में आ जाएगा। और जो भी अपकमिंग पीडीएफ आ रहा है उसके अंदर तो आप लोगों को भर के क्वेश्चन मिल जाएगा, और जो भी आप लोगों का जो सिलेबस के अंदर जो भी आप लोगों का सिलेबस है वो सारा सिलेबस इन डिटेल में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग ये सारा पीडीएफ को बाय कर सकते हो। ये इंडिविजुअल पीडीएफ का लिंक आप लोग को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग बाय कर लो, वहां से आप लोग खुद से बाय करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप लोग को ये कॉम्बो पीडीएफ चाहिए तो कॉम्बो पीडीएफ आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। उसके लिए आप लोग को इस वाले मेल पर क्या करना है, bankingboost2022@gmail.com में आप लोग मैसेज कर देना, तो आप लोग को बता दूंगा कि किस तरह से आप लोग को बाय करना है। अगर आप लोग कॉम्बो लेते हो तो आप लोग को 175 का रुपीज़ का पड़ जाएगा, जो कि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरह का आप लोगों को कुछ कंटेंट मिलेगा, तो आप लोग एक बार देख लो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।